तो आज हम बात करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के बारे में। HCL टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है ये हमको पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने यहाँ पर रिकवर करने की कोशिश की थी लेकिन यहाँ पर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और अभी अगेन हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में अराउंड 1% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो यहाँ से भी हम स्टॉक में बात कर रहे हैं, यहाँ से अभी अगर स्टॉक में और गिरावट आती है तो यहाँ से भी और गिरावट की कंडीशन है। हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1252 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1233, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1213 एंड देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में अगेन 1190 तक के लेवल से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में रिकवरी आती है तो यहाँ से रिकवरी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक है 1276 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक है 1310 और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी हम ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 1350, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 1400 और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 1450 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।